आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय हत्या का प्रयत्न, वाचनकर्ता अमित पांडे। एक घंटे में ही डॉक्टर नायडू का बिस्तर गोल हो गया। ज्ञात हुआ कि एजीजी साहब बहादुर के खास हुक्म से वह कहीं किसी खास केस पर नियुक्त होकर जा रही है। उसके साथ एक नर्स भी जा रही थी, पर उन्होंने हरामजादी भोली भाली नर्स को मेरे ही पास छोड़ा। मैं भी उस गुनहगार को अपने कब्जे में रखना चाहती थी। डॉक्टर नायडू रवाना हो गई और इसके कोई एक घंटे बाद कर्नल रॉबर्ट बहुत परेशानी की हालत में मेरे कमरे में आए। उन्होंने बहुत बारीकी से मेरी जांच की और बिना कुछ कहे वह चुपचाप चले गए। मैं खूब सावधानी से इन सब बातों को देख रही थी। चलती बार जब डॉक्टर नायडू विदा होने पर मेरे कमरे में आई, तब कमजोर और दुख सागर में डूबी होने पर भी मैं अकस्मात मुस्कुरा दी। वह मुस्कुराहट उससे छिपी न रही। एक बार उसने भयभीत नजरों से मेरी ओर देखा। पहली ही बार मैंने उसकी वह भय विह्वल दृष्टि देखी थी। कदाचित वह संदेह करने लगी थी कि उसका भेद मुझ पर खुल गया, पर उसके सोचने का समय ही कहां था। वह दो चार औपचारिक बातें करके चली गई। डॉक्टर रॉबर्ट की परेशानी से मैं पहले तो घबरा गई, पर पीछे मुझे ज्ञात हो गया कि एजीजी ने उन्हें भी चेतावनी दी है। डॉक्टर रॉबर्ट ने उस नर्स से बहुत हुज्जत की थी, जिरह की थी, यह भी पीछे मैंने सुना। मैंने यह भी जान लिया कि नर्स कम उम्र और बुद्धि की कच्ची है, अतः मैं उससे सब बातें उगलवाने का अवसर देखने लगी। खवास का चेहरा इस समय बिगड़ा हुआ था। क्यों ना बिगड़ता भला, उसका सारा प्रोग्राम जो बिगड़ गया। वह भुनभुना रहा था, बात बात नौकरों से बिगड़ रहा था। पुराना घाघ था, इसलिए घबराहट का नामो निशान उसके चेहरे पर न था। कदाचित उसे मेरी कारस्तानी का कुछ पता भी न था। डॉक्टर नायडू के चले जाने की तो उसे परेशानी थी ही, वासुदेव महाराज के आने से भी उसके तन बदन में आग लग गई थी। पर वासुदेव उससे खूब हंस हंस कर वह घुल घुल कर बातें कर रहे थे। चुहल और मजाक भी बीच बीच में चलते थे। खवास का मन यद्यपि ठीक न था और वह वासुदेव का दोस्त भी न था, पर मन के भाव छिपाने में वह उस्ताद था, अतः वह भी वासुदेव महाराज का साथ दे रहा था। दोनों पुराने खिलाड़ी अपने अपने खेल खेल रहे थे, परंतु खेल का मजा तब आया जब रात को कोई चोर आकर खवास को ठोक पीट गया। शोर शप्पा बहुत हुआ, पर चोर पकड़ा नहीं गया, पहचाना नहीं गया। चोर ने कंबल खवास पर डाल उसे उसमें लपेट लिया, फिर लात घूसों से अच्छी तरह मरम्मत की। सुबह खवास जब सूजा हुआ मुंह और फूली हुई आंखों पर पट्टियां बांधे उधर से निकला, तब बरबस मुझे हंसी आ गई। वासुदेव महाराज अपने डंडे को सहलाते हुए हकला हकला कर कह रहे थे, बेटा निर्भय राम, खवास का ख्याल रखा करो, वह हमारे पुराने दोस्त हैं। खवास भी समझ गया था और मैं भी कि सारी कारस्तानी वासुदेव महाराज की थी। तीसरे पहर जब वासुदेव महाराज मेरे पास बैठे, तब मैंने कहा, यह क्या किया बाबा जी, खवास को खत्म ही कर दिया। तब हंसकर वासुदेव महाराज बोले, खत्म कहां किया, आज जरा सी खोपड़ी सहलाई है सिर्फ। अब जब तक बेटा जी आबू से अंतर्धान नहीं हो जाते, उनकी सेवा तो निर्भय राम को करनी ही पड़ेगी। क्या कहते हो बेटा निर्भय राम? मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई और कल तक मैं कैसी भयानक मुसीबत में फंसी थी यह बिल्कुल ही भूल गई।
इस घटना के तीसरे ही दिन पुलिस दल बल सहित आ धमकी। पुलिस के बड़े साहब आए थे। नौकर चाकर छोटे बड़े सभी भय से कांपने लगे। जो असल कारण नहीं जानते थे वे भांति भांति की अटकलें लगाने लगे। पुलिस ने सबसे प्रथम उस नर्स को फांसा। उसने 5-10 मिनट में ही सब भेद खोल दिए। जहर की पुड़िया भी उसके पास से बरामद हुई। उसके बाद मेरा बयान हुआ। अथ से इति तक सब बातें मैंने बता दी, परंतु जब मैं बयान दे रही थी तभी अकस्मात खवास ने मेरे ऊपर रिवॉल्वर चला दिया। परंतु इसी क्षण वासुदेव महाराज गरज कर खवास पर चीते की भांति टूट पड़े। खवास का निशाना चूक गया और गोली मेरे कान को छूती हुई दीवार में घुस गई। इसी समय मैंने देखा कि खवास में दैत्य के समान बल था। उसने अनायास ही वासुदेव महाराज को उठाकर दूर फेंक दिया और लगा दनादन गोलियां दागने। एक गोली महाराज की जांग में घुस गई। पुलिस के जवान तुरंत ही उस पर टूट पड़े और उन्होंने पिस्तौल छीनकर उस पर कब्जा कर लिया तथा हथकड़ियों में जकड़ लिया। एक क्षण भर में ही यह सब भयानक कांड हो गया। वासुदेव महाराज खून से भर गए, पर उन्हें इस समय अपने जख्मी होने की जरा भी परवाह न थी। वह हकला हकला कर खवास पर व्यंग्य बाण चला रहे थे और खवास गंदी गंदी गालियां बक रहा था। मैं उस हत्यारे की गोली से बाल बाल बच गई थी, इसलिए वासुदेव महाराज बहुत खुश थे। उन्हें तत्काल प्रारंभिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। खवास ने प्रत्येक बात से कतई इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके वस्त्रों की भी तलाशी ली और कमरे की भी। मेरे कहने पर कोठी के पिछवाड़े वाले कमरे की भी। वहां से कई संदिग्ध वस्तुएं मिली। उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था एक अधूरा पत्र, जिसे वह महाराज को कदाचित उस समय लिख रहा था जबकि पुलिस ने उसे धर दबोचा था। पत्र अधूरा था और उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं थे, पर वह उसी के हस्तलेख से था और उससे मेरी हत्या की योजना तथा महाराज के उस योजना के संबंध पर काफी प्रकाश पड़ता था। पुलिस खवास और नर्स को गिरफ्तार करके ले गई। कर्नल रॉबर्ट ने बाद में मुझे बताया कि मैंने जो पानी एजीजी को दिया था वह बंबई जांच के लिए भेजा गया था और उसमें विष पाए जाने पर ही एजीजी ने पुलिस बुलाई थी। उन्होंने मुझे बहुत बहुत तसल्ली दी और कहा अवश्य ही डॉक्टर नायडू भी गिरफ्तार होगी। उन्हें इस बात का भारी खेद था कि इतनी योग्य डॉक्टर होने पर भी उसने यह दुष्कर्म किया। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि मेरी डिलीवरी के लिए बंबई से एक लेडी डॉक्टर और 2 नर्सें बुलाने का प्रबंध एजीजी महोदय ने कर दिया है। यह अंग्रेज चरित्र था जिस पर आज मुझे विचार करना पड़ा। डॉक्टर रॉबर्ट इस समय एक सच्चे पिता की भांति मेरी सेवा सहायता कर रहे थे और एजीजी साहब बहादुर ही नहीं बल्कि उनकी मेम साहिबा भी 2 बार आकर मुझे तसल्ली दे गई थीं। यह मेरे ऊपर उनका अनुग्रह ही न था, कर्तव्य पालन भी था। मैं जानती थी कि यही साहब कुंवरानी के मामले में मेरे कितने विरोधी थे। मुझे रंग महल से निकालने में उन्होंने बड़ा बल लगाया था, पर आज वही मेरे प्राणों की इस प्रकार रक्षा कर रहे थे। सच तो यह है कि उन्होंने ही मुझे नया जीवन दान दिया था। मैं मन ही मन उनकी कृतज्ञ हो रही थी और जब जब सारी बातों पर ध्यान आता था तब तब मेरी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। मुझे वासुदेव महाराज की बड़ी चिंता थी। बेशक उन्होंने मेरे प्राण बचाने में अपने प्राण संकट में डाल दिए थे। वह बूढ़ा ब्राह्मण अकारण ही अपने प्यार से मुझे आप्लावित कर रहा था। मैं उन्हें देखने और उनका हाल जानने को अधीर हो रही थी, पर कर्नल ने मुझे बता दिया था कि गोली उनकी जांग से निकाल दी गई है और उनकी हालत सुधर रही है,
कोई खतरे की बात नहीं है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय हत्या का प्रयत्न, वाचनकर्ता अमित पांडे।